रमोवरहितारम रमो सिद्धारम रमो वालियारम रमो अध्यायारम रमो दोई सब सागुरम शुद्धात्मान मणिकांतम साज मुक्तम मंगलम बंदी चंद्रश्रेद्वतम चंद्रश्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान गिरु मंगलम गौतम गणिम मंगलम कुंड कुंदाद्यु जैन धर्मोस मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जेतु शासनम जीवमजीवम दबम जिनवर्वसीण जीर्णिष्ठम देवेन्द्रबिंदवंदम वंदे तम सबदा शीर्षा प्रभावना शुद्धात्मा की आराधना और जिन धर्म की प्रभावना ये महाकार्य हैं। बहुत विनय से भक्ति से समर्पण भाव से करना चाहिए तभी कर पाएंगे। इस प्रभावना का मूल आप जानते हैं सम्यक दर्शन है। प्रभावना करने की भावना अगर जगी हो अंतर में और जगती है, जिन्हें आनंद आता है अपने आत्मा में वे सब जीव यही सोचते हैं कि सब इस मार्ग में लग जाएं। ये कोई कृत्रिम बात नहीं है, अकृत्रिम। अगर नहीं होती प्रभावना की भावना तो समझना चाहिए अभी सम्यक दर्शन ही नहीं है। प्रभावना ये सम्यक दर्शन का द्योतक है कि अंतर में सम्यक दर्शन होगा। और सम्यक दर्शन अगर नहीं है, प्रभावना करना चाहते हैं तो प्रभावना के न पर अप्रभावना बहुत होगी। बन गए हम सब कुछ और रात में खा रहे, अब काय की प्रभावना होगी। झूठ बोल रहे हैं, काय की प्रभावना होगी। सबका आचार में लिखा प्रभावना उच्च आचरण कर हुए है, लेकिन उच्च आचरण में सम्यक दर्शन भी अंतर्गर्भित है। आपको मालूम है पांच प्रकार के आचरणों में पहले दर्शनाचार है, फिर ज्ञानाचार है, फिर चारित्राचार तपाचार वीर्याचार है। अब पहले का ही ठिकाना नहीं हुआ तो क्या होगा? अभिप्राय ही तुम्हारा खोटा हो, श्रद्धान ही विपरीत हो तो हम क्या करेंगे? भगवान की प्रतिमा बाहर में विहार कराते हैं, कुछ संदेश देना चाहिए। प्रतिमा कुछ संदेश दे रही है और वो बात हमारे जीवन में भी होना चाहिए। परिग्रह सुख का कारण नहीं है तो परिग्रह के लिए हपाथापी क्यों? जिन मंदिरों में भी ढेर सारा परिग्रह इकट्ठा करके हम क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? अपने जीवन को परिग्रह से थोड़ा सा अलग करना चाहिए। अलग करने का मतलब पहले नंबर पर है भेद ज्ञान। परिग्रह कुछ मेरा नहीं, उपयोग केवल एक। कितना ही वैभव पुण्य के उदय से मिल जाए लेकिन आपको यही सोचना है इसमें परमाणु मात्र मेरा नहीं है। परिग्रह के लिए हिंसा चाहे कुछ अनंतानुवंदी परिग्रह है। ये अनंतानुवंदी कसा है परिग्रह के लिए हिंसा कर रहे, कोई जरूरत नहीं है लेकिन तो भी
अब क्या करें क्या करें क्या करें, हिंसा की धंधी उसमें हुए अंधी, कुछ खबर नहीं। जय हो जय हो जय हो, बस सुने तो फुर्सत हुए, फुर्सत निकालें सुने समझे तो कुछ कल्याण का मार्ग बने। परिग्रह के लिए पांच पाप इकट्ठी हो जाते हैं जहां परिग्रह होता है। आचार्य देव ने प्रवचन सार जी ग्रंथ में लिखा है कि जहां द्रव्य हिंसा हो, भाव हिंसा हो और नहीं भी हो, कोई नियम नहीं। लेकिन जहां परिग्रह है वहां हिंसा है, अनिवार्य रूप से परिग्रह होगा तो आरंभ होगा, आरंभ होगा तो हिंसा होगी तो पाप होंगे, पाप होंगे तो दुर्मति होगी और दुर्मति होगी तो दुर्गति होगी। यह परिग्रह समस्त अनर्थों का दंड है, अनर्थों का मूल है। परिग्रह को कुत्ते की भाषा में समझाया है, तुम्हें मालूम है, मांस का टुकड़ा लिए एक जा रहा तो कूक रहा, लड़ते झगड़ते और मारते और झपटते थे कूक रहा, दूसरे कुत्ते उस पर झपट रहे थे मांस के टुकड़े को, दाल टुकड़े को दिया कुत्ता न भूला एक भी। जब तक परिग्रह पास में है सुख न होगा लेश भी। मांस का टुकड़ा लिए जा रहा था कुकरा, लड़ते झगड़ते झपटते और मारते थे कुकरा, ढाल टुकड़े को दिया कुत्ता न बोला एक भी। जब तक परिग्रह पास में है सुख न होगा लेश भी। उस मांस के टुकड़े को पाने के लिए भी कुत्ते झपटते थे मारते थे, और जब मांस का टुकड़ा डाल दिया तो कुत्ता न बुलाए। तुम्हें मालूम है सैनिक के पिताजी ने परीक्षा लेने के लिए पुत्र कौन राजा होगा एक बार पंगत कराई, भोजन के लिए सब राजकुमारों को बैठाया, और जिस समय पंगत परोसी गई उसी समय शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। आप देखें सारे राजकुमार भाग गए लेकिन सैनिक आराम से भोजन करता रहा। कैसी उन कुत्तों को ऐसे झुंडी पत्तलें फेंकता रहा अगल बगल की और खुद खाता रहा। इनको परिग्रह चाहिए, परिग्रह दे तुम शांति से हो। इन्हें पद चाहिए, इन्हें पद दे तुम अलग बैठो। भैया मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है और जिनवाणी का सुनना बहुत दुर्लभ है। इसकी लायक बुद्धि होना, समय में निकलना, एकाग्रता होना और त्रियंचों जैसी प्रसन्नता होना तो चाहिए। त्रियंचों से अनंत को नहीं प्रसन्नता, लेकिन त्रियंचों जैसी भी प्रसन्नता न हो। एकाग्रता से दिख रहा है वो बंदर आहार दान को, बंदर सूकर नेवला शेर एकाग्रता से देख रहे, ऐसे दिख रहे जिका हो रहा। ये कौन है, ये रूप कहां से आया। परिग्रह भगवान को दिखा रहे हैं कि इस परिग्रह के लिए हे जगत के जीवो आपाधापी मत करो।
परिग्रह कितने प्रकार का होता है, एक अंतरंग परिग्रह, एक बहिरंग परिग्रह, और परिग्रह में साबास जगत आ गया ये समझो। जितने अपना आत्मा नहीं जाना उसको अनंतानवंदी परिग्रह होता है। अनंत पदार्थों में जो मिल जाए उसी में अपनत्व होता है। जितने पदार्थ निकट में आते सब में अपनत्व होता है। आपने देखा होगा कभी बस में ट्रेन में यात्रा करते हैं, थोड़ी सी देर के लिए हमारी बस हमारी सीट लड़ाई हो जाती है। समझदार लोगों को समझाना पड़ता भाई लड़ते काहे को, अनेक देर के लिए बैठना है। वे कहते हमारी बस तुम्हारी बस है, हमारी सीट तुम्हारी सीट है। थोड़ी देर के लिए वो सीट मिल गई तुम्हें, रिजर्वेशन हो गया, हमारी सीट हो। इस जिंदगी में तुम्हें संयोग रूप में पुण्य के उदय से ये सामग्री मिली है, हमारी घर, हमारा वैभव, हमारा पद, हमारी प्रतिष्ठा, हमारी बात, हमारी नस, हमारी बात नहीं मानता। अरे हम कहते हैं बात ही इतनी खतरनाक होती है, 84 प्रकार की बात लिखी है आयुर्वेद में, और बात का दर्द बहुत खतरनाक है, तो जो बताओ बात की बात कितनी खतरनाक होगी। नाक बना लिया हर बात में, अरे नहीं मानी मत मानो, तुम्हारा नुकसान हमारा क्या नुकसान। हम ये एहसास करा रहे तुम्हारा दोष है और तुम्हें इसका फल भोगना पड़ेगा, हम नहीं भोगने पाएंगे, हम नहीं बांटेंगे। तुम कह दो अभी कितनी, 10 तर्क दे दो। अभिमान और कुतर्क जब तक रहेंगे तब तक तत्व का निर्णय भी नहीं हो पाएगा। भूदस दास जी ने जैन शतक में क्या लिखा, पक्ष छोर पार की निहार होने के कर जैन बेन और बेन इतनो ही फेर है। कितनो कितनो आंख दूध और गाय दूध में जितना अंतर है, आंख दूध में और गाय के दूध में जितना अंतर, एक प्राण लेवा एक प्राण देवा, एक पोषक है एक मारण वाला है, आंख दूध गाय दूध अंतर घनी है, बस इतना ही अंतर है। माने बहुत क्या कहें, क्या अंतर नहीं है। ये साइकोलॉजी खराब है तुम्हारी, हमें बैठना ही नहीं है, हमें टाइम जाके आगे बैठ जाना है लेट या करके, और नहीं तो रोज लेट नहीं हो सकते, ध्यान रखो। और तुम ये बहाने बनाती रहो, बहाने को जगत भरा है, आज ये काम लग गया, आज ये काम लग गया, आज ये काम लग गया, तो जी का बेगार है, ये पाठ हो रहा है ये बेगार में, ये प्रवचन काय हो रहे, पाठ पे ही हो रहे और काय हो रहे। परिग्रह कहने में परिग्रहांत समस्त पाप लेना चाहिए, परिग्रह के लिए हिंसा कर रहा है, ये हिंसक संस्थान काय को खुली है परिग्रह के लिए, पैसा के लिए, झूठ क्यों बोलता है आदमी, चोरी क्यों करता है, नाना प्रकार के विषयों में पानी की तरह क्यों बहाता है, बस परिग्रह को सुख मानता है, ये सुख है मान। हम आपसे कहते हैं आपके घर में परिग्रह के अलावा क्या है बताओ, लेकिन ध्यान रखो उस परिग्रह से तुम्हारी शोभा नहीं है, कलंक है ये। ये जगत के जीवों को दिखा रहे हैं हम
और स्वयं दी गई। जहो जहो बिहार हो रहा है, बिहार बिहार तो है ही ठीक है, लेकिन क्या दिखा रहे, ये परिग्रह जोड़ना सुख का मार्ग नहीं है। परिग्रह पर जिनकी दृष्टि है उनको केवल क्लेश होगा और कुछ नहीं मिलेगा। जैसे केले के थंब में सार नहीं है, ऐसे इस परिग्रह में संसार में कोई सार नहीं। सार तो तुम्हारा तुम्हारे भीतर है। हम कह रहे थे कल ऊपर भैया, कह रहे थे कि नहीं, अब तो जीवन दुर्लभ है, अपना काम करो, सब छोड़ो, क्या करने हमें, चाहे संवारो चाहे बिगाड़ो, तुम्हें तुम जानो, ये पूंजी है, चाहे नुकसान करो चाहे नफा करो, हम क्या करें, चाहे बढ़ाओ चाहे मेटो, हम क्या कर लें। मेरो तो एक आत्मता में मम चुकीनो, और समय मम भिन्न जान समता रसबीनो। देखो जैन लोग जो रात में भोजन नहीं करते, साल में 6 महीने का उपवास तो वैसे ही हो जाता है। स्वास्थ्य वास्थ्य बात की बात है, साल में 6 महीने का उपवास तो वैसे ही हो गया उनका, बल्कि ज्यादा समझ लो 7 महीने 8 महीने समझो। 5 बजे भोजन बंद किया, 6 बजे भोजन बंद किया, और जाकर के कब, अब जो यहां से जाओगे 10 बजे तब रोटी खाओगे, 5 घंटा और हो गया। ये बहुत पाप करते हैं जैन होकर के रात में भोजन करें, अभी मालूम नहीं है, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन है, अपना बिगाड़ है, परलोक में बिगाड़ है, पता नहीं कुछ। सोचो विचार करो कम से कम, भगवान का मंगल विहार काय के लिए, मंगल के लिए है, पापों के गलाने के लिए और सुख को प्राप्त करने के लिए। राम लखन सुख नहीं प्राप्त करो, सुख का मार्ग तो प्राप्त कर लो, यहां मार्ग तो प्राप्त कर लो, सुख तो तुम्हारे भीतर है। मार्ग जब रास्ता मिल गई तो फिर काम तो हो ही गया, वस्तु तो मिल ही आएगी। सुख का मार्ग मिल गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारणी, सुख मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, शिव मार्ग है, आनंद मार्ग है। आप तो बदल देते हो शब्द होता है, बदल का को देते हैं। अरे भाई मोक्ष मार्ग कहो, शिव मार्ग कहो, कल्याण मार्ग कहो, आनंद मार्ग कहो, श्रेय मार्ग कहो, निर्गंध मार्ग कहो, एक ही बार कैसी परिज्ञा के लिए आपा धाबी कर ले। तूने हमारी जगह धाबी ली, तुमने हमें धक्का दे दो, तुमने हमें ऐसा कर दो। अरे छोटे पर बच्चों जैसी दशा में खेलना खेलना होता है, कहते हम छुए तो जाने, ये छू गई, ये तो हमारी उंगली छुई है, हमें कहां छुओ, ये तो हाथ छुआ है, हमें कहां छुआ। माने हम इन सब से भिन्न है। प्रभावना के लिए पहले सिद्धांत में निर्बलता होना चाहिए, सम्यक्ता सिद्धांत में क्या होना चाहिए बोलो, इस प्रसंग में बहुत स्थूल रूप से पहले नंबर पर, इस विश्व में कोई हमारा बिगाड़ सुधार करने वाला नहीं है, हमारे कल्याण में निमित्त वीतरागी देव साथ गुरु होंगे और कोई नहीं होगा, कभी नहीं होगा, इन्हीं से लौकिक कार्य बनेंगे, इसी से पारलौकिक सिद्धि होगी।
आप कितने ही परेशान हो, कितने भी दुखी हो, अपनी कल्पनाओं से परेशान है, जिन भक्ति में प्रवृत्त दिया। उपयोग निज में जुड़ा, मुक्ति का मार्ग खोला। उपयोग अपने में जुड़ गया, मुक्ति का मार्ग खुल गया। ये विचार करना कि इन भगवंतों का दर्शन महाभाग्य से मिला है, लेकिन आत्मदर्शन के लिए मिला है, सम्यक दर्शन के लिए मिला है। पूजा करते हो, उसमें लिखा है वो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तब सफल बने मानव। ये भगवान का दर्शन, ए देखो देखो जगत की जीवो देखो, शुद्धात्मा ही देखने योग्य है। इन भगवंतों को देखो, किधर देख रहे, समोषण की ओर, शरीर की ओर, तुम क्यों देख रहे हो बाहर पद के पद की ओर, बाहर के वैभव की ओर, कहां देख रहे हो, भोगों की ओर। अरे भाई विचार करो, बार बार विचार करो, आओ इस उपदेश माही खूब चित्त लगाओ। ध्यान रखना, तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक सुख का अधिकारी है, गाने वाला नहीं। जब तक एकांत में बैठ करके विचार नहीं करना सीखोगे, तब तक कुछ काम नहीं बनेगा। बैठ एकांत चित्त एक छोर आन रे, तेरो घट जा सरता में तू ही है, कमल जाको तू ही मजकुर वह स्वरास पहचान दे। प्राप्ति न होए कछु ऐसो तू विचारत है, सही होए प्राप्ति स्वरूप यो ही जाने। विचार पर कितना वजन दिया, भाई को विचार कर, भाई मैं मगन हुई बाको पद साज बे को ऐसी विधि छानिए। केवल बनासी आसी लिख रहे ऐसा नहीं, देखो तत्व विचार की महिमा और कर्तव्य के साथ में शब्द को लिखा है। इस जीव का मुख्य कर्तव्य तो तत्व विचार ही है, तत्व विचार से ही सम्यक होता है, तत्व विचार से ही सम्यक्चारित होता है, तत्व विचार से ही सुख होगा, तत्व विचार से ही मोक्ष होगा। सम्यक्त से लेकर के सिद्ध तक की समस्त दशाओं का मूल तत्व विचार है। टोडरमल जी ने तो संसार के दुखों के लिए भी कहा, तुम विचार करके देखो ये दुख तुम पर बीतते हैं कि नहीं, ये तुम्हारे उपाय झूठे हैं कि नहीं, मैंने इन उपायों से कितना सुखी होते हो, कितने दुखी बढ़ गया, इस बात को विचार करो। कितना दुख बढ़ता है या कितने सुखी होते हो। जब जन्म लिया था बचपन में कोई जिंदा नहीं, पापा, अब पापा चिंता जाने, बड़े हो गए तो अपनी जिम्मेदारी अपने आप, और फिर पापा बन गए उनकी जिम्मेदारी अपने आप। अब विचार करो दुख बड़ा है कि सुख बड़ा है। जैसे जैसे तुम बड़े हुए हो, सुख बड़ा है कि दुख बड़ा है, उलझने बड़ी हैं, उलझने घटी हैं, इच्छाएं बड़ी हैं कि इच्छाएं घटी हैं। लेकिन बड़ी उन्हीं की हैं जो तत्व ज्ञान से शून्य है। तत्व विचार वाले जीव का बुढ़ापा समाधिमय होता है, तत्व विचार से रहे जीव का बुढ़ापा उपाधिमय होता है। कहते नहीं है भैया जाको बुढ़ापो बहुत अंत बुरो हो, ऐसा मत कभी करना कि मनुष्य पर्याय ऐसे हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों में एक को मिलती है।
मनुष्य पर्याय मिली, जिनवाणी मिल गई और बस कचनी ने गायदाई बस अपने को धर्मात्मा मान लिया। जिनवाणी के विचार में उपयोग लगाना मेरा भला बुरा करने में कोई समर्थ नहीं है। दोनों भला और बुरा, लेकिन जब भला होगा तब ये वीतरागी दीपसाज गुरु ही निमित्त होंगे। इसलिए यही देखने लायक हैं, जिन रूप ही देखने लायक है, जिन वचन ही सुनने लायक हैं और जिन भावना ही भाने योग्य है। और तो कल्पनाएं हैं तुम्हारी, ऊपरी चक्कर है। अरे भगवान ऊपरी तो क्या कहते, अंतर ही ऊपरी जान। ऊपरी चक्कर माने जानते हो, राग द्वेष का चक्कर है, मोह राग द्वेष का और कछु नहीं। ये मन भटका रहे हो तुम अपना, कोई देवी देवता इसको शांत कर देंगे, ये तुम्हारी कल्पनाएं झूठी हैं। ये परिणाम शांत होंगे, कर्म शांत होंगे जिनेन देव की भक्ति करने से। और भक्ति में लिखा है कि नहीं, मन शांत हो मिल मिट सकल द्वंद चाख्यो स्वातम रस दुख निकाल। अपने देव के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति एक अटूट विश्वास, अचल, अंग्रेजी वालों ने योगा कह दिया तो उन्हें योग कह दिया। तुम्हारे देश में भारतीय संस्कृति में योग की भी चर्चा है, लेकिन योग की नहीं है। ध्यान रखना, योग शरीर की क्रिया नहीं और शरीर से नहीं होगी, और शरीर के योग करेंगे केवल उससे स्थिति भी नहीं होगी। अष्टांग योग, जैसे अष्टांग सम्यक दर्शन ऐसे अष्टांग योग। और उन अष्टांग योग में यम नियम पहले आए, फिर आसन भाषण जो कुछ भी आएंगे बाद में। मतलब अब आप समझो, बिना अंतर के इस योग की क्या लाभ होगा तुम्हें। तुम्हारा बाहर का स्वास्थ्य ठीक हो गया तो अभी क्या लाभ है, अंतर का स्वास्थ्य तो बीमार हो तुम। खाए के लिए बचा ल एक रोटी और दे दी, एक और दे दी, एक और दे दी, एक और दे दी तो ठीक है, दे दी अब नहीं खाएंगे। तुम तो सुनते रहोगे और वो ही करते रहोगे। भैया मत करो, करने योग्य कार्य का उद्यमी होना, धर्म बुद्धि से निंद कार्यों का त्यागी होना, ये तो नवीन शुरुता का स्वरूप है। और नीति में लिखा है मंद बुद्धि भी बिना प्रयोजन के प्रवर्ता नहीं है। यहां बैठियो, कुछ प्रयोजन होना चाहिए। पर से लाभ हानि मानते रहे, पर से भोला बुरा मानते रहे और अपना काम करते रहे, ये भी पढ़ते रहे, ये दशाएं ऐसी हैं भैया। जैसी कोई रोगी कुपथी भी करता रहे, दवाई भी खाता रहे, दवाई भी खाता रहे और कुपथ भी कर रहा है, उसे औषधि का कुछ लाभ मिलेगा? कुपथ है उसको बर्बाद कर रहा है। अरे इतनी जलेबी खा लेंगी तो गोली कितनी सी थी, क्यों खा ली थी, घी पर लगाम नहीं थी, बहुत दिन बाद मिली। अरे बहुत दिन बाद तो मिल गई, चलो कोई बात नहीं, आत्मा तो अभी तक नहीं मिली।
पंच परावर्तन करते हुए कोई भोग नवीन नहीं है। ऐसे भोग नहीं है जो जीव ने अनंत बार नहीं प्राप्त किए। ऐसा तो अपूर्व तो स्वानुभव ही है और कुछ नहीं। मन चल रहा, बहुत मन चल रहा है। अरे बहुत मन चला मत, मन चलाओ, निशंक हो जाओ। खाने पर भी सुख नहीं मिलेगा। अपन सोचें प्यास लगे किसी व्यक्ति को और वो सोचे एक किलो सोना मिल जाए तो अव्याल तृप्ति हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? सोने से प्यास बुझने से संबंध ही नहीं है कुछ। प्यास के लिए तो एक गिलास पानी चाहिए। ये तुम्हारी व्यवहारिक लोक व्यवहार की बात है, लेकिन हम आपसे ये कहते हैं प्यास के लिए भी अतीन्द्रिय आनंद चाहिए। अतीन्द्रिय आनंद के बिना कभी जीव तृप्त नहीं होता। अतीन्द्रिय आनंद होने पर यह जीव बिना पानी के ही तृप्त है। वो बोतलों का पानी, बिस्लरी पानी और फलाना पानी, ये पानी आ रहे छनवे पानी की पहले सोचो। छनवे पानी नहीं पे, बिस्लरी के सारे बोतल लेते। हम तुमसे कहते छना पानी तो सीखो और जीव दया के लिए छना सीखो, स्वास्थ्य के लिए नहीं। स्वास्थ्य अपने आप हो जाए। तुमसे तो किसान बढ़िया है, भूसा के लिए खेती नहीं करती, अनाज के लिए खेती करता, भूसा अपने आप हो जाता। तुम पेड़ लगाते हो पत्तों के लिए, फल के लिए, और फल आते तो पत्ते पहले आया, पहले आते कि नहीं आते? लेकिन पत्तों के लिए पेड़ नहीं लगाते, पेड़ फल के लिए लगाते। तुम भूते के लिए खेती करते हो, भोगों के लिए धर्म का साधन करते हो, बस थोड़ी प्रसन्नता मिल जाए, बस फूल गए कपा हुआ है। अब नहीं समझ रहे काउ, बस ये अब बढ़िया है, कुछ भी कर्तव्य नहीं सूझता, ये अब बढ़िया है। हम ये कह रहे हैं बैठ की चौकी मिल जाए तो कभी नहीं सोचेंगे कि चौकी हमें लगानी भी है, और अगर नहीं लगी मिलेगी तो वहां धरी वाले वो उठाएंगे नहीं, हाथ में ले लेके पढ़ लेंगे जिनमानी। ऐसे आगजियों का क्या होगा? अरे चौकी वहां से उठा ले और धर ले ताकि बात पढ़ियो। ज्ञानाचार माने विनय का आचरण करना चाहिए, बहुमान का आचरण करना चाहिए। शास्त्र को विनय पूर्वक विराजमान करो, बहुमान पूर्वक विराजमान करो और विनय पूर्वक अपन बैठिया। शास्त्र को ऊपर रखना ये बहुमान है और अपन नीचे बैठना ये विनय है। गीले हाथ हैं तो गीले लगा ले, मेले हाथ हैं तो मेले लगा ले। सोचो जिनसे हम अपना हित करना चाहते हैं उन देव सास गुरु को हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जिससे हमें आत्मा की बात सुननी है, अपने कल्याण की बात सुननी, उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? कछु नहीं, हम आए नहीं पाए, हम आ नहीं पाए, हम बैठ नहीं पाए, हम उठ नहीं पाए, बस। और अब हमें आत्मा का हित करना है। गप्पे करती हो आत्मा का हित बातों से नहीं होता, और बातें बनाने से, बहाने बनाने से तो कभी नहीं होता। तुमने पढ़ा है
ऊपर ऊपर के वाचन श्रवण से कुछ नहीं होगा, अंतर की लगन से कुछ होगा। अंतर की लगन हो, विशुद्धता हो, तो कुछ मार्ग मिले भीतर। अंतर की लगन नहीं होगी तो क्या होगा? और बढ़िया, तुम जा बैठो और बढ़िया, हम सब मना कर दी बस, तुमने कछु नहीं कही, और बढ़िया, हम तो सोच गए थे कि कोई मने तो कर दे तो हम रुक जाए, भोगों में ऐसे रुक जाओ तो हम जाने। आचार्यों को मने करते करते क्या हो गया बताओ? लेकिन भोगों में नहीं रुकोगे, धर्म कार्य में तुरंत रुक जाओगे। मने कर दी मैंने, कैसे मताना? ओ भगवान, मने कर दी। भूमों में ऐसे कहें कल से मत खाइयो तो मत खा, बस भूख लगेगी, इसका मतलब है इसकी भूख नहीं लगी तुम्हें। प्रभावना आठवां अंग है, साथ में सात अंगों के बिना प्रभावना नहीं होती। कोई दर्शन दिया तुम्हें याद है? गलती इतनी है कि हम अकेली उंगली को मोटा करना चाहें, कैसे हो सकती है ये उंगली मोटी? ये हाथ मोटा हो जाए, ये हाथ बहुत काम करता है, उंगलियों से लिखना पड़ता है, ये मजबूत हो जाए। अरे भाई साहब, पूरा खाना पड़ेगा आपको, और पूरे में जो रस प्रवाह चलेगा, एक काम करो, तुम अखरोट खाओ करो, तुम बादाम लेव करो। कहां लेव करें? यहां तो देव करें, माथे में ताकत आएगी कि यहां धंधे करें। अरे जो खाओगे उसका रस बनेगा, खून बनेगा, बीज बनेगा, उसमें से ताकत आएगी तुम्हारी। संगो पंग समझना सीखो, खाली प्रभावना अंग नहीं। प्रभावना एक जुलूस बना दिया, प्रभावना हो गई, जय 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 जय। दौड़गिरी में कही थी हमने, कहा बैंड की प्रभावना हुई कि तुम्हारी प्रभावना हुई? नए लड़कों को बस कमेटी में ले लिया और बस उन्हें कही सोची बढ़िया मावी जयंती निकालो, चार बैंड बढ़ा दे। बैंडों की प्रभावना हुई कि तुम्हारी प्रभावना हुई? जितने आदमी नहीं थे 300 बग्घी लगी वहां, तुम्हारे अंदर के भक्ति से, वात्सल्य से, स्थितिकरण से, उपगुहन से प्रभावना होगी। उच्चाचरण माने निसंकता, निकांचितता, निर्विष्कता, उपगुहन, स्थितिकरण, अमूर्दशी, ये सब जब तुम्हारे अंदर में आएंगे, जो किताब तुम्हें कठिन लगती है एमए की, आठवें की, अपने आप जब आठ कक्षा पढ़ के जाओगे तो अपने आप सर लगने लगे, और नहीं तो तुम नहीं पढ़वाओगे। एक क्लास पाठ किए बिना दूसरे में नहीं पहुंचोगे, दूसरे पास किए बिना तीसरे में नहीं पहुंचोगे, और सातवां पास करे बिना आठवां में नहीं पहुंचोगे। श्रद्धान बिना आचरण में कैसे पहुंच जाओगे? शुक्र ध्यान में कैसे पहुंच जाओ? प्रभावना में भावना शब्द है, भावना बारह होती है, आपने पढ़ी है। 16 कारण भावनाएं पढ़ी है, वैराग्य भावना पढ़ी है, ये होती भावनाएं। लेकिन इन सारी भावनाओं में श्रद्धान अंतर्गर्भित है। दर्श विशोध धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई। संसार में फिर नहीं आता वो, रामरखन संसार में नहीं आता। संसार से मोक्ष में गया तो गया, अब आएगा ही नहीं तो जाएगा का? आवा और गमन, आएगो तो जाएगो, जब आना ही नहीं है तो जाना खाएगा। इसका मूल है 15 भावनाएं, दर्शन विशुद्धि के बिना कार्यकारी नहीं होती, आप जानते हो।
अब भावना ही नहीं है, जोड़ोगे तो प्रभावना कहां से होगी? और भावना कहां से जुड़ जाएगी जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा? दर्शन विशुद्धि नहीं होगी, वैसे ही प्रभावना हो जाएगी अपने आप। अपने को गाने हुए तो बस सिर में दर्द बस कुछ नहीं है, और बहुत जोर से सिर में दर्द सुनवे के लिए वो सो नहीं रहे थे, हमसे में दर्द बहुत जोर से। और ये नहीं सोचेंगे ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, नहीं सिर में दर्द करोगे और ध्यान करोगे तो क्या करोगे, उसका उपाय क्यों नहीं करती? तुम बता दे, तुम मानते क्यों नहीं, तुम बता दें। तुम्हारा दिमाग तो ये है, चेकअप कराया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर के पास गोलियां होंगी तो क्या हुआ जी बता? शोधन करना पड़ेगा आपको पेट का, सिर दर्द मिटाने के लिए। और अगर आप सिर दर्द मिटाने के लिए पेट का शोधन नहीं करोगे तो सिर दर्द नहीं मिटा है। एक बैजी थे, अब तो शांत हो गए, बोले घूरे पे जैसे ये तो छिड़को, हम स्वर्ण योग खा रहे हैं, हम दवाइयां खा रहे हैं, ये बताओ तुम पेट का शोधन तो कर नहीं रहे, ये दवाइयां क्या काम करेंगी? पंडित टोटरमा जी ने लिखा, यद्यपि पाक आदि अच्छु गंधा पाक, बादाम पाक, सोंठ पाक, पाक लिखे ये पाक बोलते हैं, पाक आदि को औषधियां यद्यपि पुष्टकारी हैं लेकिन कब कार्यकारी बनेंगे? तुम खाओगे तो मैं नहीं कार्यकारी बनेंगे। और वही जिसके पाचन ठीक है, विरेचन हो चुका है, उसके लिए कार्यकारी है। मूल को क्यों नहीं पकड़ते? हंसी में डाल देते हो, चेकअप 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 चेकअप। अरे वो डॉक्टरों का चेकअप अलग है, और हमने कल कहा था कि चेकअप माने क्या होता है, तुम्हारी आत्मा में प्रवेश नहीं हुआ है, तुम्हारी पाप का उदय है, तुम्हारी परिणाम मलिन है, और मलिन माने क्या, तुम्हारे अंदर में वात्सल्य नहीं, तुम्हारी विनय नहीं है, अभिमान बहुत है, सिर में दर्द तो हो गई, हम क्या करें? सिर में दर्द मिटाने के लिए अभिमान मिटाना पड़े। उसने वैद्य जी ने कहा कही थी उनका इलाज हम नहीं कर पाएंगे, और वही बात आगे मैंने कही वही हमने कही, क्यों वो किसी की मानते तो है नहीं। किस कारण से हुआ? बाह्य कारण एक अंतरंग कारण, अंतरंग कारण असाध्य वेदनी कर्म का उदय है। असाध्य वेदनी के आय सर्व के कितने कारण हैं उनको पढ़ना चाहिए। असर्व बंद असाध्य वेदनी के बंद के कारण में मुख किया है, बोलो। बस खुजली पड़ रही है, खुजा रहे हैं, सुनाती समय कुछ नहीं होगा, सुनाओगे कि घंटा आराम से, गाओगे आराम से, गाओ भैया तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कुछ हित नहीं होगा। आज सुनो कल सुनो चाहे अनंत काल बात सुन लेना, जब तुम थक जाओ तब सुन लेना, लेकिन इन बातों को समझे बिना कुछ तुम्हारा हित नहीं होगा। एक अंतरंग कारण होते एक बहिरंग कारण होते हैं। अंतरंग कारण में एक तो परिणाम होते एक कर्म का उदय होता, भाव कर्म और नो कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म बहिरंग कारण। अब बहिरंग में भी आपको देखना है तो देखो, पेट के कारण से है कि द्रव्य के काय के कारण से है? पेट के कारण से तो पेट का ठीक करो, आंखों की कमजोरी से तो आंखें ठीक करो, और आपका अगर थकान से है तो सो जा, अपने आप ठीक हो जा। दिन भर काम करते रहे और नेक दर्द हो गया, सो जा। रोटी खाने से हो गया, पूरी खा ली तो
कोई बात नहीं, आज भोज कुछ मत खाओ पियो, अपने आप ठीक हो जाए। शाम को देखोगे आप हल्का हो जाएगा अपने आप। लेकिन अगर तुमने खाने की कोशिश करी, खाने पर लाभ दवाई करना, ये भारी भ्रांति है कि बीमार होता है कुपथ से और ठीक होना चाहता है दवाइयों से। और आम एक चौथी गाथा की टीका में समय साल जी में ये कथन किया है, उपदेश देता होने का आचार्य तो करता है, काम भोग बंधन की कथा। काउ से तुम कह दियो 10 उपाय और 10 दवाई बताई वाले मिल जाए सामने। व्यंग की भाषा है, एक राजा के दरबार में एक वैद्य पहुंचा, उन्होंने कहा बोलो क्या इनाम दें तुम्हें। कह साहब जितने वैद्य आपकी नगरी में हो उनके ऊपर 1-1 रुपया टैक्स लगा दो और हमें दे। अरे 4-6 वैद्य हो तो 1-1 रुपया से का हो, तुमने कहा मांगो जी। कैसे आप सुनो तो सही, क्योराई पे वैद्य तो जान दे पाँव बांधी क्या, फिर देखो फिर कितनी वैद्य मिलेगी। अरे तुम धतूर लगा दियो, तुम हर लगा दी, तुम ये लगा दियो, तुम उगार पाट लगा दी, तुम बर्फ की चिकाई कर दी, तुम हल्दी लगा दी, तुम चूड़ा लगा दी। वैद्य बनना कठिन होता है, इतना सरल नहीं है। चार नुक्से सीख लिए और वैद्य हो गए। एक तो सिद्धांत ये रखना, एक औषधि हरेक के लिए कार्यकारी नहीं होती, और एक औषधि एक व्यक्ति के लिए भी हर समय कार्यकारी नहीं होती। तुम्हें ही अगर गर्मी में बुखार होगा तो दूसरा दवाई देंगे, और सर्दी में बुखार होगा तो दूसरी दवाई। इस दर्द गर्मी से है कि सर्दी से है, निदान करना पड़ेगा। निदान बिना चिकित्सा कैसे होगी, निदानम परवर्जनम चिकित्सा। कहने से और बहाने बनाने से काम थोड़ी चलेगा, नुकसान किसका हुआ, लाभ किसका हुआ। हमारे यहां 4 दानों की व्यवस्था है, लेकिन चाहे किसी को दी ये ऐसा नहीं लिखा। पात्रों की व्यवस्था है, बीजी द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद विशेषा, क्या दें जिससे मोक्ष मार्ग बढ़े, ऐसा आहार कराओ जिससे मोक्ष मार्ग बढ़ जाए। मोक्ष मार्ग में मन लग जाए, ये नहीं है कि आलस्य आए होते, नींद आए, खूब गरिष्ठ भोजन करा दो अपनी मान सान के मारे और बस अब उन्हें नींद आ रही, स्वाध्याय करते आपको स्वाध्याय करे, अब सोए गए बस। और शास्त्र में पढ़ोगे दिन में नहीं सोना चाहिए, अरे हम कहते हैं निद्रा में भी जागृत रहना चाहिए, मतलब रात को भी नहीं सो, सोते में भी चौकन्ने रहो अपने माल के प्रति, रत्नस्य के प्रति, अपने आत्म स्वभाव के प्रति। द्रव्य हो गया, द्रव्य माने क्या है, गुणों के समूह वाला द्रव्य नहीं है, वो द्रव्यानियों का द्रव्य अलग है, और ये यहाँ पर दान के समय में द्रव्य माने देने योगी वस्तु, आहार औषधि स्थान और पोथी ज्ञान उपदेश। दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए, चाहे किसी को दीजिए, थोड़ी का क्यों लिखा कि तुम अगर ठीक हो जाओगे, बुखार उतर जाएगा तुम्हारा तो तुम तब दुकान पे पहुंचोगे, और इनका बुखार उतरेगा तो ये उपदेश देंगे, और इनका बुखार उतरेगा तो ये मंदिर जाएंगे।
अंतर हो गया कि नहीं? तुम्हारा बुखार उतरा, चलो नेक दुकान ही पर यहां, चलो नेक मंदिर दर्शन कर यहां, और इनका बुखार उतर गया, चलो नेक देख बैठ ले। समझ गए? पात्र का भेद इसलिए है, चाहे जो औषधि चाहे किसी को देना, ये औषधि दान नहीं है। एक औषधालय खुलवा दिया और बट रही दवाई, औषधि दान हो गया। ये औषधि दान नहीं है, ये करुणा दान है। सदा वर्ष खोल दो, चाहे जो खाया आहार दान हो गया। एक धर्मशाला बना दी, अभय दान हो गया। चाहे कोई ठहरे, चाहे जुआरी चाहे शराबी, धर्मशाला में धर्म नाम है, धर्मशाला में धर्म शब्द है। धर्मशाला माने पाठशाला, बोलते पाकशाला, रसायनशाला, ऐसे ये आपकी बनगी धर्मशाला। माने जिसके सहारे से धर्म ध्यान हो गए, जहां शराबक आकर के ठहरे, अपने पानी भी छान करके पी सके, भोजन भी शुद्ध कर सकें, भगवान के दर्शन भक्ति भी कर सकें, सामायिक स्वाध्याय भी कर सकें। इसीलिए धर्मशालाओं में मंदिर बनते थे और मंदिर के पास में एक धर्मशाला बनाते। कोई आएगा तो कहां रोको, घरे चलो। अरे घर तो तुम छोड़ो, घरे चलने का हो गया। ये अच्छी बात है, जो ये भी नहीं कह पाते घर मत चलो, उन घर चलो ये भी नहीं कह पाते, उनकी तो बात अलग है। लेकिन घर नहीं, दो कमरे हो वहां, दो बिस्तर हो यहां, लेटो सो बैठो, उठो, एक भोजनशाला हो आप बनाओ खाओ, कोई बात नहीं। मंदिर के बाद रात में नहीं, जमीकंद नहीं, अवच्छ वचन नहीं, होटल में नहीं, ठहरो भाई धर्मशाला। धर्मशालाओं में मंदिर होते ही मंदिरों के पास धर्मशाला होती है। राम लखन तो हमने देखी है, हमने देखी है आगरा में, किशनगढ़ में और इंदौर में, सब ने धर्मशाला बना दी। ये नहीं है खाली स्वाध्याय सुनने के लिए आए, तुम अपने व्यापार के लिए भी आए तो वहीं ठहरो और वहीं भोजन करो, कच्चू खाओ पको। अलग अलग भोजनालय चलती रहती, कहाँ लगे पानी भरने के लिए उनकी, और जहां कुआ है वहां कुआ तो है ही। बर्तन धरे चाचे, बनाओ खाओ, कोई बात। इसका नाम है आहार दान। माने श्रावक को, मुनराज को रस्ते चलते कहां ठहरेंगे, बसत का बना देते। अवैधान माने ऐसा निराकुल स्थान बना दिया जहां बैठ करके धामय कर सके, स्वाध्याय कर सके, धर्म ध्यान कर सके अलग से। कोई व्यवधान नहीं हो, हमने कहीं रुक जाओ, इनने कहीं हरिया दिखा रही। तुम्हें दृष्टांत याद है सूकर का और शेर का? एक मुन्नाज को सूकर रक्षा करने के लिए है और एक शेर खाने के लिए है। शेर से दोनों मर गए, शेर गया नरक में और सूकर गया स्वर्ग में, उसका रक्षा का भाव। इससे पहले भी एक धर्मशाला थी, मालूम था एक धर्मशाला थी, और एक वो नाई और धोबी ने मिलकर की बनाई होगी। उसने धर्मशाला में मुनराज को ठहरा दिया, उन्हें निकाल दिया वहां से, बस वो सूकर और शेर का प्रसंग बन गया। आहार दान माने क्या देना है, कैसा आहार दे मैं? ले तब बड़ा बने, दे तब बड़ा बने।
बदल दे। अरे भाई मुंडा आकर के कहेंगे तो नहीं तुम हमारे लिए बना, और भैया हमें गर्मी बहुत है तुम बाजार से ले आई हो हमारे लिए लिया, ऐसा तो नहीं कहेंगे। तो मुन्नाज का जब कर्तव्य है लेता बड़ा बनही, तो श्रावक का कर्तव्य है देता बड़ा बनही। अनुदेश आहार लेंगे कि नहीं लेंगे, चुपचाप मौन से लेंगे कि नहीं लेंगे, तो बिना दिए जब लेंगे वो बिना दिए नहीं लेंगे, नब्दा भक्ति पूर्वक लेंगे, विधि से लेंगे। लेकिन जब वे तब बढ़ाने के लिए देने वाली है लेने वाली हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है लें दें तब बढ़ावा नहीं। समोसा खवा रहे, पकौड़ी खवा रहे, कचौड़ी खवा रहे गर्मी के दिनों में। अरे भैया प्यास बढ़ेगी, घर चारों का समय करनी उनको या करके नहीं। एक आदमी का कहे इन्हें दाल रोटी खवा दी तो कहा बात होगी, रोटी खाने से पहले पानी चाहिए इनको, और कौन सा पानी चाहिए, कौन सा पेय चाहिए, शीतलता बढ़िया स्वाध्याय में मन लगे, इतना विवेक की क्रिया है ये ऐसी क्रिया नहीं है रूढ़ी की क्रिया, देखा देखी की क्रिया है, विवेक की क्रिया है, आहार दान है, औसत दान माने आहार देना, औसत देना, दान माने देना। हाँ ये नहीं देखा, धर्म बुद्धि से धर्मात्मा को धर्म की वृद्धि के लिए देना वो दान है। जब तुम धर्म बुद्धि होगी तुम्हारी, और ये तो आरंभ के त्यागी है, ये तो आरंभ करेंगे नहीं अपने लिए और कछ कहेंगे नहीं अपने, अपना कर्तव्य है। मुन्नाज को देख करके श्रावक ऐसा विचार करता है इनको अपने शरीर की कुछ नहीं पड़ी, ये तो शरीर से भी निष्प्रय है, लेकिन इनका शरीर धर्म भावना के लिए है और हमारी धरोहर है। इसकी शरीर की रक्षा जो संयम का निमित्त है, प्रभावना का निमित्त है, बड़े यत्न से करना चाहिए, तब वह बड़े विवेक से आहार दान दे पाएगा, औसत दान दे पाएगा। अवैध दान दे पाएगा, कहां बनाना स्थान चौराहे पे बनाए दे, डिस्टर्ब पूरा रहेगा रात भर रहेगा। तुमने देखा जैनों के मंदिर अधिकांश गलियों में होते हैं, तुम्हें मस्जिदें वगैरह मिलेंगी सड़क के किनारे, जैन मंदिर कम मिलेंगे। अब बनने लगे, जगह की कमी हो गई इसलिए, लेकिन जैन मंदिर अधिकांश गलियों में बनाते हैं, सड़क से दूर, कोलाहल से दूर। सड़क माने कोलाहल, कौन सी डिक्शनरी में लिखी है, क्या डिक्शनरी में नहीं मिलेगी, ये तो ज्ञान की डिक्शनरी मिलेगा। सड़क माने कोलाहल, परिक्रमा माने दुख, भगवान का मंगल विहार माने अपरिग्रही का विहार। ये परिग्रह दुख का कारण है, देखने लायक भी नहीं है, भोगने लायक की बात तो बहुत दूर है, ये शिक्षा देने वाली है। इस परिग्रह के लिए हापातापी मत करो, कल्पी हिंसा मत करो, आरंभी हिंसा होगी, विरोधी हिंसा होगी, उद्योगी हिंसा होगी, लेकिन उनमें भी यत्नाचार रखो, विवेक रखो, बहुत आरंभ परिग्रह मत फंसो। झूठ मत बोलो परिग्रह के लिए, चोरी मत करो, के तो फिर नहीं भरे वो, कौन ने कह दी, यही तो मानता खोटी है, के चोरी नहीं करेंगे तो पेट नहीं भरे वो। अच्छा एक बात बताओ, भरे पेट बारी जितनी चोरी कर रहे थी तुम खाली पेट बारा कर सकता है, बड़े बड़े घोटाले देश में चोरी के काम तस्करी
के धंधे भरी पेटबारी कर रहे, तसना के बसी वो तो करके खाली पेटबारी। अरे मजदूर जिनको तुमने कह दिया कल ले लियो, उसके पास शाम को खाने को नहीं है तो भी बेचारा चोरी नहीं करेगा। और ये भरे पेट वाले, भरे पेट जितने पाप कर रहे खाली पेट नहीं कर पाओगे। बड़ी सुंदर बात लिखी है, संसार में कदम रखते ही पाप है, संसार में कदम रखते पाप है, माने संसार के बारे में सोचना ही पाप है। अगर अपने स्वरूप से खेसक गई बस पाप शुरू हो गया, आपकी सीमा समाप्त होती है वहीं पाप की सीमा शुरू हो जाती है। भिंड की सीमा समाप्त, ग्वालियर की सीमा चालू। अब इसके जितने प्रकरण हैं वो ग्वालियर में जाएंगे, भिंड नहीं आएंगे। एक लकीर ही तो है और का है बीच में, भिंड की सीमा समाप्त और ग्वालियर की सीमा चालू, अमन की सीमा समाप्त, मौ की सीमा चालू। तो आपकी सीमा समाप्त यहां होती है, वहां से ही पाप की सीमा चालू हो जाती है। सीमा का प्रारंभ, और आपको मालूम है सीमा की रक्षा फौज तैनात करके करते, और सीमा पर लगे हुए सैनिक जागृत हृदय आत्म है। सोने का समय तुम्हारा जब है तब उनके जागने का समय है, ड्यूटी रात की लगी है। सीमा पे सो गए तो कहा हो दुश्मन घुस आएगा, तुम सीमा पे सो गए अपने को भूल गए तो तुम्हारी प्रभाव घुस आएंगे भीतर, खोटे भाव हो जाएंगे, खोटी कल्पनाएं हो जाएंगी। और अगर सीमा पर सावधान रहे पूरा देश सुरक्षित है। सीमा पर सावधान है बेसैनिक और पूरा देश चैन की नींद हो रहा है, आराम से सो रहे, इनकी ड्यूटी दे जागे। लेकिन इन प्रभावों से अपनी रक्षा करने के लिए आपको स्वयं जागृत रहना पड़ेगा, आपकी सुरक्षा कोई दूसरा नहीं कर पाएगा अगर आप सो जाओगे तो। प्रभावों से अपनी रक्षा करने के लिए, प्रभावों से होने वाली दुर्विकल्पों से, दुर्दशा से अपनी रक्षा करने के लिए आपको स्वयं जागृत होना पड़ेगा, तत्व विचार करना पड़ेगा। प्रभावना का मूल सम्यक दर्शन है, प्रभावना साधंग पूर्वक होगी, उच्च आचरण यही है तुम्हारा, ज्ञान का विनय पूर्वक अभ्यास करें। तुम्हें मालूम है वो चीर कदम पड़ा रहे थे पुरोहित, मुंडराज उधर से निकले दोनों, छोटे मुंडराज बड़े वो छोटे मुंडराज बड़े मुंडराज से बोले, देखो कैसे बढ़िया तरीका से पढ़ रहे हैं चारों के चारों। अरे कहा पढ़ रहे हैं, इनमें दो तो नरक जाने वाले हैं। और चीर कर्म पुरोहित ने सुन लिया के जैन मुनि के वचन अन्यथा तो नहीं होंगे, नरक कौन जाएगा, बोलो सिद्धांत से बोलना, नरक कौन जाएगा जिसे पाप का भय नहीं होगा, जिसे पाप तो दूर पाप का भय भी होगा नरक नहीं जाएगा। सम्यक दृष्टि जीव को नरक का भय नहीं है, क्यों पाप का भय है, उसे पाप का भय है तो नरक का भय नहीं है। ताको चौगत के दुख नाही, सो न परे भव सागर माई, जन्म जा मत रोग मिटावे जो सम्यक। उन्होंने कहा जाओ ऐसा काम करके लाओ, चारों को काम दे दिए, लेकिन सुनो ऐसे स्थान पर करके लाना जहां कोई देख नहीं रहा हो, एकांत में। तो वे जो पाप भीरू थे, तुम्हें मालूम है सावक का लक्षण होता है पाप भीरू,
ये उत्तम क्रिया करता नित रहत पाप से डरता, उत्तम क्रिया करते हुए भी पाप से हमेशा भयभीत रहता है, सावधान रहता है। ये कई ढाल में तीन जगह लिखा है, बुद्धन जी ने, ये उत्तम क्रिया करता नित रहत पाप से करता नित अग्नि कारण करता, पाप के काम नहीं करता, एक क्षण भी अपने को नहीं भूलता। तुम्हें लग रही ये परे हैं सो रहे, वे अपने आत्मा का चिंतन कर रहे, ये तुम्हारी मानता खोटी है, ऊपर से देख रहे हो भी भीतर से देखो। भावना का मूल सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन पूर्वक उच्च आचरण जो होता है वह प्रभावना सहज का कार्य है। ओम नमः। हे जनवाणी भारती तो जपो जिंद्रे जो तेरी शरणा गए, ओपे सुख चैन क्या वाणी के ज्ञान से, लो कालो तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।